क्यों शैलजा जी तो पहले सांसद रहे थे, वो आए नहीं काफ़ी सालों से, तमर जी है वो हर रोज़ पार्टियां बदल रहे हैं, और वैसे भी लोग बीजेपी से नाराज़ है। नाराज क्यों है बीजेपी से? इतना बढ़िया काम किया, बोले राम मंदिर बन गया, 370 अटकी, 3 तलाक, हरियाणा है प्रदेश है, जो लोग कह रहे हैं कि चुनाव के जैसे जैसे नज़दीक आएगा मोदी जी आएंगे और एक बड़ा सा भाषण देंगे, सबको एक तरफ कर देंगे, हैं? वो तो जी अलग बात है, मोदी जी भी आपकी लड़ाई लड़ रहा है। तो ये लोग ये भी कह रहे हैं कि इस सरकार में ना जॉब बड़ी लगी है, बच्चों की नौकरियां लगी है, तो इस गांव में लगे हैं बच्चे कुछ? बच्चे लगे हैं जी, 10 साल में बच्चे क्यों नहीं लगे, बच्चे लगे हैं नौकरी में, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई किसी को रिश्वत खर्ची बर्ची नहीं चली है, झूठ नहीं बोले जाएगी। द भारत खबर की चुनावी यात्रा इस वक्त है सिरसा लोकसभा क्षेत्र में। सिरसा लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी की ओर से डॉक्टर अशोक तंवर को टिकट दिया गया है, जबकि कांग्रेस की ओर से कुमारी शैलजा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं इनेलो की तरफ से संदीप लोट को टिकट दिया गया है, जबकि जेजेपी की ओर से रमेश खटक को चुनावी मैदान में उतारा गया है। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे सभी उम्मीदवार जो है लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क अभियान उनका लगातार छिड़ा हुआ है, और कहीं रोड शो कर रहे हैं तो कहीं चुनावी जनसभा कर रहे हैं। लेकिन हम ग्राउंड जीरो से लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के बीच जाकर लोग क्या कहते हैं, कौन सी पार्टी को सबसे प्रमुखता से ऊपर लाने की कोशिश में रहते हैं लोग, और किसे अपनी पसंद जो है बनाने की कोशिश करते हैं। हम एक गाँव में मौजूद हैं और तमाम लोग जो है हमारे साथ मौजूद है, काफ़ी बुज़ुर्ग भी है और युवा भी है। क्या नाम है जी आपका? ख्याली राम जी। मुझे ये बताइए कि लोकसभा चुनाव अब आगे हैं, 25 मई को वोट डालेंगे, तो क्या लग रहा है, क्या माहौल बन रहा है? माहौल तो जी हमारे चश्मा वाले को ही माहौल ज़्यादा दिख रहा है। अच्छा, हाँ, संदीप लोट का? हाँ, संदीप लोट का। ऐसा क्यों? इसका तो अभय सिंह का रोल है, सारा हरियाणा के अंदर ही रोल चलेगा। अच्छा। ये एक आदमी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, तो इसकी कोई मुसीबत नहीं आएगी, कभी भी कोई आदमी के अंदर कोई काम के अंदर फर्क नहीं आया, ना उसने दो पैसे किया है, ना किसान को नाराज किया है, पर 20 साल से बिछड़ा हुआ आदमी है, अभी हमारा यही समाज है, अभी उसको लाएंगे। हाँ, लोग तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी की लहर चल रही है, 400 पार जाएगी इस बार भी? नहीं जी, नहीं नहीं नहीं, नहीं बीजेपी नहीं जाएगी, बीजेपी नहीं जाएगी, नहीं जाएगी यहाँ से, बीजेपी नहीं जाएगी। दो बार कुमारी शैलजा यहाँ से सांसद रही, उनके पिता 4 बार सांसद रहे, आप लोगों ने खूब प्यार दिया, तो इस बार उनका क्या लग रहा है आपको? देखो जी, ये 20 साल हो गया हमारे को तो दर्शन आई नहीं है, और आने ना आपको मजबूरी है, कोई आ जाओ, हमारे को तो एक अभय सिंह ऐसा है, आता है तो जाता है, तो गांव के अंदर कोई वारम बात पूछता है, और हमारे को तो यहाँ पर कोई लीडर नहीं लगे अभी ऐसा है बूझने वाला गाँव को, ये बात है जी, इस बात से हम उसका रोल ज़्यादा कर रहे हैं। इसलिए आपको ये लगता है कि इनेलो ठीक है? हाँ, इनेलो ठीक है जी। तो ये लोग ये भी कह रहे हैं कि इस सरकार में ना जॉब बड़ी लगी है, बच्चों की नौकरियां लगी है, तो इस गांव में लगे हैं बच्चे कुछ? बच्चे लगे हैं जी, 10 साल में बच्चे क्यों नहीं लगे, बच्चे लगे हैं नौकरी में, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई किसी को रिश्वत खर्ची बर्ची नहीं चली है, झूठ नहीं बोले जाएगी। वो हमारा तो वही नेता है जो अभय सिंह है ना, वही पहला अभय सिंह पहला नेता है। तब जी थोड़ा सा खड़े हो जाओगे तो आराम से हो जाएगा फिर बातचीत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदराम है जी। नंदराम जी, मुझे ये बताइए, आपने बहुत सारे चुनाव देखे, आपने चौधरी देवीलाल से लेकर अब मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी की सरकार भी देख ली, और प्रधानमंत्री में अगर बात करें तो राजीव गांधी से लेकर नरेंद्र मोदी तक। चौधरी साहब ने जीवित थे जब कहा था कि मेरा वारिस, राजनीति वारिस एक चौटाला साहब है, और 3 बेटों का कोई हक नहीं राजनीति, उसके बाद में हमने तो चौटाला साहब को वोट देते रहे हैं और किसी को दिया नहीं। तो आपको क्या लगता है, सिरसा वाली जो सीट है, संदीप लोट को उतारा है चुनावी मैदान में, लोग ये कह रहे हैं कि इसको जानते कम है, तो ये आप लोग ये समझते हैं? इनको तो क्या कम जानते हैं, और मालिक को तो जानते हैं ना, अभय सिंह को तो। मालिक कौन है? अभय सिंह। अभय सिंह, हाँ। अभय सिंह के पीछे क्यों, मतलब क्या वजह? तो हमारे तो नज़दीक के हैं, पुराने यही थे ना पहले, चौधरी साहब के बाद में तो चौटाला साहब, चौटाला साहब के बाद ये। तो चौटाला साहब की आपने सरकार देखी, वो सरकार ठीक थी या कोई और सरकार ठीक है? चौटाला साहब की ठीक थी जी, हमारे लिए तो, आपके लिए वो, हाँ, क्योंकि हमारे नज़दीक है, कोई काम हो तो उसके पास जा सकते हैं हम। तो ये जो नज़दीक वाली बात आप कह रहे हैं, इस वजह से आप जो है उनके साथ जुड़े हुए हो? फिर साथ में तो फिर है जी,
पुराने तो यही आ गए ने। अच्छा, पुराने यही। क्या नाम है जी आपका? मनीराम। मनीराम जी, मुझे ये बताइए कि अब तो चुनाव आ गए हैं, अब आप बिल्कुल एक तरह से यूं कहेंगे कि जनता ही जनार्दन होती है, 25 मई को वोट डालेंगे, तो इस बार क्या लग रहा है, किस पे लगने वाली है मोहर? अभय सिंह है। अभय सिंह तो यहाँ से है नहीं, कुरुक्षेत्र से लड़ रहे हैं चुनाव। नहीं भाई, अभय सिंह पार्टी कौन सी है आपकी? आपने कहा कि अभय सिंह के पीछे, तो यानी इनेलो हो गई। यहाँ से संदीप लोट है इनेलो से, कुमारी सेलजा है कांग्रेस से, और अशोक तवर को उतार दिया, तो अभय सिंह की पार्टी देगा। तो मोदी जी तो कह रहे 400 पार। वो ये खराब का कांटो कट गयो। अच्छा, तो अब की बार कितनी आएगी फिर? कोई केड़ा मिलजुल के तो कहीं कर दे तो भला, इन्हें मन तो कौन लग गई। अच्छा, अब की बार सरकार नहीं बनेगी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अमित सिंह जी। आप मुझे ये बताइए कि लोकसभा चुनाव के अंदर सिरसा सीट की अगर बात करें तो पहली पसंद कौन है? कुमारी सेलजा, अशोक तवर, संदीप लोट, रमेश कटक? संदीप लोट है जी। ऐसा क्यों? वो अभय सिंह का खड़ा खड़ा हुआ है। और हम अभय सिंह की पार्टी के। अच्छा, हमारे लिए अभय सिंह से बढ़िया कोई नेता नहीं है। ऐसा क्यों लगता है आपको कि अभय सिंह से बढ़िया नेता नहीं? ऐसे यूं लगता है जी, कितने नेता है, सब में से इसने एल नवाज से इस्तीफा देकर सीमा पर कूदा था। ये आपके पैरों पर खड़ा रहने वाला है और सच्चा नेता है। इसको किसी ने कह दिया वो हो गया, इसे किसी को धोखा नहीं दिया। हाँ, ये झूठ बोलने वाला नेता नहीं है, ये जो कहता है वो करता है। लेकिन क्योंकि अब जब चुनाव हो रहे हैं, प्रधानमंत्री के चुनाव होने हैं, कांग्रेस ये कह रही है कि हम मजबूत हैं हरियाणा में और हमें जो है कहीं ना कहीं इनेलो नुकसान पहुंचाएगी। तो इनेलो नुकसान पहुंचाएगी तो आपकी तमीज से पहुंचाएगी। जनता है उनके पीछे। जनता है, हाँ जी, जनता है उनके पीछे। अच्छा, आपने कई चुनाव देखे, तो ये जो वाला जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 10 साल का कार्यकाल, उससे पहले 10 साल मनमोहन सिंह रहे, और एक वक्त ऐसा था कि चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री भी आए, प्रधानमंत्री बन रहे थे और वो बने नहीं, उन्होंने कहा मैं ये पद नहीं लेना चाहता। हाँ। तो इन सब नेताओं के बीच में सबसे बढ़िया नेता कौन है? चौधरी देवीलाल था। हाँ। जो ये आपकी दी हुई चौधर के ठोकर मार दी उसने जनता के लिए। हाँ, देवीलाल का वारिस आज अभय सिंह ही है। अच्छा, क्योंकि अभय सिंह जो किसान नेता है ना, इससे ऊपर और भारत में नेता नहीं है। ठीक है, चश्मा चुश्मा लगा के बड़ा स्टाइल में है। और ले लो दोबारे। ये जो है ना अभय सिंह नेता, वो देवीलाल का वारिस है। देवीलाल बनेगा सागी जी। अच्छा, एक दिन तो बनेगा कैसे? एक सीट आई है पीछे नहीं, है? वो आए या वो तो असली बात है, ये उसने बात भाई तो कह दिया ना हमारे गांव के अंदर, हमारे गांव के अंदर एक बच्चियों के लिए बस लगनी थी, सभी आदमी थे यहाँ पर, सबका नेरा काट लिया और चलता आदमी आज सुबह बस आई थी बच्चों की। ऐसे काम है ना, दूसरे दिन काम की जरूरत नहीं पड़ती उसको कहने की, जो आपके बस में हुआ ना काम तो दूसरे दिन किसी को नहीं, ये बूढ़ा रहा मेरे साथ गया, सब मंत्रियों का ही नेरा काट दिए थे, बस नहीं आई, बस नहीं आई, लड़कियों का तो स्पेशल कोई किसी को। अब जब लोकसभा का चुनाव है, क्योंकि विधानसभा चुनाव इसके तुरंत बाद हो जाएगा 2-3 महीने के अंदर, लोकसभा चुनाव में क्या लग रहा है? यहाँ से सिरसा सीट की बात करें तो कुमारी सेलजा, अशोक तवर, संदीप लोट, दो बड़े बड़े नाम हैं, दोनों सांसद भी रहे हैं सिरसा से, उनके सामने मुकाबला है, तो आप किस तरीके से देखते हैं इन्हें लोगों के? हम तो मुकाबले ही मानते हैं जी हमारा। अच्छा, इन्हें लोगों का किसके साथ? साथ में जी ऐसे है बराबर सी चलेंगे अगले भी। हाँ। ज्यादा वोटों की बात नहीं है, ये तो पटाखा बजाना ज्यादा है। अच्छा, पटाखे बजाते हैं दूसरे, बराबर सी चलेंगे, ऐसी ज्यादा फाइट नहीं होगी। लोग कह रहे हैं कि चुनाव के जैसे जैसे नजदीक आएगा, मोदी जी आएंगे और एक बड़ा सा भाषण देंगे, सबको एक तरफ कर देंगे। हैं वो तो जी अलग बात है, मोदी जी भी आपकी लड़ाई लड़ रहा है। हाँ। तो इसमें थोड़ी सी विपक्ष ना वो थोड़ी सी गलतियां करते हैं, बोलने वाली हिंदुस्तान के बोलने वाली, तो वो गलतियां सह देगी उसको विपक्ष को, कि हमारे अय्यर शंकर मंत्री जी ये क्या बोले थे कल परसों, क्या बोले साहब। तो आम जनता जो लोकल ग्राम देहात में लोग है, वो ये सब चीजें देखती है। अब सब चीज देखती है, सब जानती है, मैं पढ़ा नहीं, मैं नहीं
बिल्कुल स्कूल नहीं गया, फिर भी जानता हूँ कि क्या बोला, क्यों भाई एटीएम बम पाकिस्तान के पास ही है कि अकेले के पास, अकेले के पास है, ये सबके पास ही है, सबके पास भी है। ये देशों की कमजोरी बात करने के लिए विपक्ष ने ये मुद्दा नहीं बोलना चाहिए। वोट जनता बदलती रहती है, कोई बात नहीं है, बदल भी सकती है। तो सिरसा सीट की अगर बात करें तो इस बार क्या लग रहा है आपको, फिर कौन जीतेगा? देखो पहले नहीं कह सकते हम भी, भी ऐसे आज 10-12 दिन पड़े जी, क्या रोल होएगा सीट फाइट में। चश्मा तो ऐसे लगा रखी है जैसे चश्मा के फेवर में आप प्रचार कर रहे हो। नहीं प्रचार तो जी मैं कौन करूँ, किन्नी आदमी बुझ लो बारह रस्ता ही कौन करियो, ठीक करियो मैं तो बिंगो ही हूँ, जिद वोट मुने जिद लगे रेड में। यार अब वो मन जान ले वो भी वो आदमी को किन की है, और बाकी तो पहले ही बात को नहीं, पहले तो जानी को नहीं, पर यहाँ फाइट में रहेगी सीट, दुनिया झूठ बोले। ठीक है, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 10 लोकसभा सीट है, 10 सीट पे जो है चुनाव होना है 25 मई को। क्या लग रहा है सिरसा सीट की अगर बात करें तो क्या माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है? एक तरफ कुमारी शैलजा, दूसरी तरफ अशोक तंवर, तीसरी तरफ संदीप लोड, चौथी तरफ जेजीपी का भी अपना कोई उम्मीदवार उतारा है उन्होंने, रमेश खटक को। सिरसा की सीट मेरे हिसाब से इनेलो के पक्ष में जा रही है, क्यों शैलजा जी तो पहले सांसद रहे थे, वो आए नहीं काफ़ी सालों से, तंवर जी है वो हर रोज़ पार्टियाँ बदल रहे हैं, और वैसे भी लोग बीजेपी से नाराज है। नाराज क्यों है बीजेपी से? इतना बढ़िया काम किया, बोले राम मंदिर बन गया, 370 अटकी, 3 तलाक। हरियाणा है प्रदेश है जो एक नंबर है आज बेरोजगारी में, आप किसी स्टेट का आंकड़ा उठा लो सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा के अंदर है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरियां लग रही है मोदी सरकार, डी ग्रुप की नौकरियां देते हैं जी। अब आप देख कौन सी चाहिए, मतलब मास्टर की कलर्क की भर्तियां कोर्ट में लटक रही है, भर्तियां कर ही नहीं रहे हैं, और कौशल के नाम पर 18-18, 20-20 हज़ार में वो भर्तियां कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि इनेलो ये सब बदल सकती है, ये चीजें सुधार सकती है? बिल्कुल, मेरे हिसाब से 4 सीटें हैं हरियाणा में इनेलो को। हाँ कौन सी? सिरसा, कुरुक्षेत्र, हिसार और एक और आ जाएगी। एक और आ जाएगी, हाँ। तो वो भी बता दो कौन सी आ जाएगी? बताएंगे, 4 आ जाएगी। चार आ जाएगी, अच्छा 4 आ जाएगी। बीजेपी 4 अगर सीट अगर कोई इनेलो अगर इस लोकसभा चुनाव में ले जाती है तो फिर तो विधानसभा चुनाव में ठीक प्रदर्शन करेगी सरकार बना जी, 40 के प्लस सीटें लेके जाएंगे अगर 4 सीटें आ जाती है तो।